कंट्री सेक्शन पहला क्वार्टर फाइनल दो लिए हुए होना चाहिए। ये नून साफी कैनल से लास्ट ईयर जो मेरा ख्याल इसी ग्राउंड में एक जो चार तीन या चार डर्बीज हुई उनमें से एक का चैंपियन है जी जॉन सीना, और इसी तरह बलवार भी शायद एक डर्बी जीत चुका है। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अपने आप को शो नहीं कर सका, लेकिन चैंपियन जो है वो किसी वक्त भी उभर सकते हैं। हमने देखा नेल्सन आज बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस ऑफ द लाइफ जो है वो डिलीवर करके गया है यहाँ पर, तो इसी तरह हो सकता है कि जॉन सीना भी फिर एक दफ़ा हमें नज़ारा दे। शेरू, लेकिन शेरू ये वो शेरू नहीं है जो बकरी साहब का ग्रेहाउंड दौड़ता रहा चार पिछले सालों में, और उस शेरू ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रेहाउंड की तरह स्वीट ड्रीम मुझे याद आ रहा है जेनम वैली से इसी तरह एक ग्रेहाउंड। शेरू भी कंटीन्यूअस सेशन से ग्रेहाउंड ऑफ द ईयर रहने वालों में से एक है, और ये शेरू राणा सही साथ कैंप से है। इसको नाम की लाज कम से कम रखनी चाहिए, देखते हैं। लेकिन इसका मुकाबला है जॉन सीना से चेस नंबर दो में, देखें जी। कंट्री सेक्शन पहला क्वार्टर फाइनल जॉन सीना जी चेस नंबर दो में, और छह रेखा शेरू, पांच में प्रियम कार और एक में चित्रा चित्रा। रिजल्ट देखिए चेस नंबर दो का मेन ये चैंपियन है इस क्वार्टर फाइनल में लोहा जॉन सीना, फर्स्ट क्वालिफाई किया अपने क्वार्टर फाइनल को, और चेस नंबर छः के साथ सेकंड क्वालिफाई किया इस क्वार्टर शेरू में। मतलब चाहिए बचपन सा है दूसरा ग्रे हाउंड में सेकंड क्वालिफाई किया है, और फर्स्ट क्वालिफाई किया मोहम्मद तलाल हमेशा तमाम और सरगोदा का ग्रे हाउंड जॉन सीना ने। के दीना में सेकंड क्वालिफाई किया है चैलेंज ने। इसी तरह कशे जो है वो जिलों का पर सेकंड थी, और एक यहीं पर गिल डर्बी या जो सलार वाला में डर्बी होती है उसकी चैंपियन है यंग कशिश। नाकआउट ग्लोरी शहजाद बशीर साहब के दो में से एक जो ग्रेहाउंड है, और ये भी एक ना एक जो कंपटीशन मुझे याद नहीं आ रहा है जीत चुकी है इस सीज़न में छः में से एक डर्बी जीतने वाला ग्रेहाउंड। इस तरह मैं बड़ी आराम से कह सकता हूँ कि क्वार्टर फाइनल ऑफ द डे जो है ये इस कंट्री बैक सेक्शन से चेस नंबर क्वार्टर फाइनल नंबर दो है, कबूतर यंग कशिश नाकआउट ग्लोरी और चैलेंज देखने वाला क्वार्टर फाइनल है। शाकिन बेटा पीछे आ जाए थोड़ा सा, आप इधर आ जाए, शाबाश आ जाए आ जाए आ जाए, वो पीछे से ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा आपको। मोहसिन खुद लेके जा रहे हैं अपने ग्रेहाउंड यंग कशिश को, मेरे ख्याल में फेवरेट है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, बाकी लोग गुस्सा ना करें इसका। इस क्वार्टर फाइनल के लिए तीन में से जो एक मोस्ट फेवरेट ग्रेहाउंड है वो यंग कशिश है राजा रुस्तम साहब के कहने से, जहाँ पे राजा जमीर खान साहब ऑफ यूके उनका ग्रेहाउंड चेस नंबर दो में। और वैसे भी आज दो नंबर यानी ब्लू रंग की जो चेस्ट है उसका दिन है, नेल्सन इसमें दौड़ा, फिर सेंटर रिस्क चेस नंबर दो में ही दौड़ा, और अभी यंग कशिश के हिस्से में भी चेस नंबर दो ही बिलो कलर के चेस हिस्से में आया है। नाकआउट ग्लोरी शहजाद बशीर साहब के कहने से पांच नंबर में येलो कलर में, और ब्लैक एंड वाइट कलर में गिल साहब के कहने से चैलेंज यंग कशिश नाकआउट ग्लोरी और चैलेंज। कंट्रीब्यूट सेक्शन तीसरा क्वार्टर फाइनल नीले रंग का दिन है, और नीले रंग का दिन है आज दो पाँच छः और एक अपने आज के रंग में जजन फरफड़ा कर गए, जजन के लिए मजबूत हैं शशि नजर हमारे साथ आज जनाब मनीर अहमद साहब नाली
नबे मलिक मुल्किया का नसाहिदान और नबे कारान सहिदान नसाहिद ऑफ फैसला पर तो में फर्स्ट क्वालिफाइड किया जान कशिश ने और नागौर ग्लोरी ने सेकंड क्वालिफाइड किया उसके साथ काली नागौर ग्लोरी से शाद रशीद शाह ने से राजा जमीर का ऑफ यूके का के नॉन फर्स्ट क्वालिफाइड किया और इसी तरह जनाब जबरान आसा साहब ऑफ दूसरा मलिक ने सेकंड क्वालिफाइड किया बहुत शुक्रिया गोंदल साहब खड़े हैं जी अपने ग्रेहाउंड डाकू के साथ और लास्ट ईयर या इस साल मेरा ख्याल है कि एक आदर ट्रैक टोरी जो है ये दो तीन जीत चुका है और शायद ट्रैक बॉक्सर अपना ट्रैप जो डर्बीज हैं उनमें से भी एक ये जीत चुका है दूसरा सीजन में दौड़ रहा है इस सब जनाबे डॉक्टर हारून जमान खान साहब लोधी ऑफ हड़प्पा चेस्ट नंबर 5 में हमें नजर आना शुरू हुआ है नारू साहब का ग्रेहाउंड नोबल स्टोरी केल साहब के कैनवस से मलक सलार जावेद साहब नारू ऑफ जड़ावाला और फिर देखिए जी ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक मैग्रा है राणा सईद साहब के कैनवस से ग्रेहाउंड जनाबे राणा हसीब अहमद साहब भट्टी ऑफ चक चौसे उनका ग्रेहाउंड ब्लैक मैग्रा कंट्री बी सेक्शन चौथा क्वार्टर फाइनल और नीले का वैसे ही गेंद है लेकिन नीला येलो शाबाश नीले मेरा नाम जस्ट यहां पे कोई रहना था आप सब गोल गोल ऑफ मंडी बहुत ही कर रहे हैं डाकू इसने फर्स्ट क्वालीफाई किया अपने क्वार्टर फाइनल में और जस्ट नंबर 5 के साथ सेकंड क्वालीफाई किया है नोबल स्टोरी ने जनाब के मेरे सरदार के वजह से आरो ऑफ करना वाला बन गए हैं काला नोबल स्टोरी गेम साथ में है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो यक के बाद दिखले जाएँ वो आती रहेंगी लेकिन जजेस की राय जो होती है वो हमेशा मौत पर ही रहेगी किसी मामले में भी तो जो कीजिए जी चौथे क्वार्टर फाइनल के लिए चेस्ट इन हो रहे हैं गोल्डन जैकेट जनाबे चौधरी मोहम्मद अलियास साहब विरक ऑफ चक 26 गिल साहब के कहने से एक नंबर चेस्ट लिए हुए चेस्ट नंबर 2 लिए हुए हैं नीले रंग की चेस्ट में इट इज माय स्टाइल बागड़ी साहब के कहने से जनाबे राजा मोहम्मद सुलेमान कलर मोहम्मद सुलेमान साहब ऑफ कलर सैदान चेस्ट नंबर 5 का हिस्सेदार बना है राणा जनाबे राणा वालिद अली साहब ऑफ जड़ावाला का ग्रेहाउंड काला वेलकम फैसलाबाद कैनल से और चेस्ट नंबर 6 का हिस्सेदार बना है इस क्वार्टर फाइनल में हसन जनाबे हसन मान साहब ऑफ चीचावती का ग्रेहाउंड स्वीट बॉय जेहलम वैली से स्वीट बॉय का कंट्रीब्यूट सेक्शन चौथा क्वार्टर फाइनल येलो वक्त बदल रहा है रंग की बदल रहा है पांच नंबर में मधुर का इतना शेरू छह में लॉकडाउन
दो में 18 और एक में और इसी तरह सेकंड क्वालिफाई किया है स्वीट बॉय जेंजन बैगनी संगत और मालक हैं हसन मान साहब और चिच्चा बटाले उनका करीब स्वीट बॉय सेकंड क्वालिफाई किया है देखने वालों में से हैं तो आपको ये जितने भी क्वार्टर फाइनल दौड़ चुके हैं आज के दिन के वो आपको वहाँ पर मिलने चाहिए जी एस के स्टूडियोज पाकिस्तान भी अलग शायद है ना एस के स्टूडियो पाकिस्तान निशान आपने हमें दो नंबर जो क्वार्टर फाइनल है ना क्वार्टर फाइनल नंबर दो ओपन सेक्शन से वो भी दिखाना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर ही अगर हो जाए तो आसानी होगी अदरवाइज मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जनाब आसिफ इकबाल साहब चौधरी और जनाब डॉक्टर नजफ इम्तियाज साहब गिल से कि वो डेप्यूट हुए हैं सर आप दोनों इस अपील को देखने के लिए तो मेरी कोशिश है कि मैं निशान को कहूँ कि टाइम निकाल के इधर आ जाएंगे अभी हुए राजा शौकत मखदूम कैनल से जो मैं बाकी ग्रेहाउंड इसके साथ देख रहा हूं तो उनको देखते हुए ये ग्रेहाउंड फेवरेट होना चाहिए इस क्वार्टर फाइनल को जीतने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर चुका है और करता रहता है यके बाद दीगरे ग्राउंड में जनाब राना अजान अयूब ऑफ कामों की उनका ग्रेहाउंड जैद चेस नंबर एक में लेकिन आज लाल रंग का दिन नहीं है और नीले रंग में मौजूद है जी जनाब चौरी उस्मान साहेब गुजर का ग्रेहाउंड काला अथरा गिल साहब के कहने से आज के दिन का फेवरेट रंग काला अथरा है दूसरे रंग नीले रंग की चेस्ट में येलो में चित्रा शेरू है बागरी साहब के कहने से जनाब राजा मोहम्मद रहीम साहेब ऑफ कलर सईदा और जनाब चौरी अली शहबाज साहेब जेट ऑफ समुद्री का ग्रेहाउंड डब्बा लॉकडाउन है फैसलाबाद कहने से चेस्ट नंबर 6 में ब्लैक एंड वाइट में और क्वार्टर फाइनल नंबर 5 कंट्रीब्यूट सेक्शन पांचवा क्वार्टर फाइनल एक और पांच पांच और एक दो नंबर पे था जी 18 से लेकर पांच नंबर खड़ा हुआ अभी रिजल्ट कर देते हैं पांच नंबर में मजबूत से हैं चित्रा शेरू बाकी सब के कहने से जिनाब राजा मोहम्मद मजीद शाह वापस से चले गए हैं उसने फर्स्ट क्वालिफाई किया अपने क्वार्टर फाइनल में और सेकंड डब्बे जैक ने जिनाब राणा आजाद ने भी वापस हम लोग के ग्रे हैं क्वार्टर जैक ने सेकंड क्वालिफाई किया अच्छा क्वार्टर फाइनल है जी ये अगरचे तीन ग्रेहाउंड इसमें हैं लेकिन ये तीनों नामी ग्रामी ग्रेहाउंड हैं जैकी शैकी ने थोड़ी सी हिम्मत की तो पंगा डालने वाला ग्राउंड है ये जी और कोनी को भी हम देख चुके हैं यके बाद दीगरे परफॉर्म्स कर चुका है माना वाला स्टार जो कैसर सलीम बुखारी कैनल के इस इरा में जो उनके पास दो तीन अच्छे ग्राउंड हैं उनमें से एक ग्राउंड ये माना वाला स्टार है दो नंबर में मलबूस नीले रंग की चेस में जैकी शैकी जनाब इकरमा मुजाहिद साहिब ऑफ सरगोधा का ग्रेहाउंड काला जलसा के कैनल से चेस नंबर एक लिए हुए कोनी फॉक्स जनाब राना मोहसिन खान साहिब ऑफ मजारे का ग्रेहाउंड दादा रुसद साहब के कैनल से और चेस नंबर 6 लिए हुए जनाब आमर नवाज साहिब मान ऑफ वलगन सुहेल उनका ग्रेहाउंड लोहा माना वाला स्टार कैसर सलीम बुखारी कैनल से कंट्री बी सेक्शन छठा क्वार्टर फाइनल छह नंबर में वाजिद बैटमैन के साथ जीत करते हुए माना वाला स्टार और सेकंड के लिए अच्छा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ के साथ फर्स्ट क्वालिफाई की है माना वाला स्टार है जनाब आमर नवाज साहिब मान और फरमान सुहेल और चेस नंबर 2 के साथ जैकी शकी ने सेकंड क्वालिफाई की है
मेरा भी जो अभी कृपा बन जाए और सर्वोदय कर गए हैं उनका लाभ जबकि शैक्षणिक योग्यता से कहें उसने शैक्षणिक क्वालिफाई की है। शाकिर नजर एसोसिएशन कप 2021 और उसका कंट्री बैक सेशन आज के क्वार्टर फाइनल डे का आखिरी क्वार्टर फाइनल जहाँ पे उमर नसार साहब चीमा का ग्रे होम काली स्वीट ले भी एक नंबर चेस में मरबूज चेस नंबर दो लिए हुए हैं जी काला ब्लैकी शहजाद बशीर साहब के कैनल से जनाब राना खालिद महमूद साहब ऑफ श्री वाला का ग्रे होम काला ब्लैकी चेस नंबर पाँच में मजबूत है जनाब चौधरी सुल्तान अहमद साहब जट का ग्रे होम चित्री इनकमिंग राजा रुस्तम साहब के कैनल से और चेस नंबर छः में हमारे सामने से गुजरी लोही स्टार में गिल साहब के कैनल से जनाब चौधरी वहीद अहमद साहब ढिल्लों ऑफ 186 जी बे का ग्रे होम स्टार में कंट्री बी सेक्शन सातवां क्वार्टर फाइनल ब्लैकी है चेस नंबर दो लेकर और एक के साथ खा लीजिए सीबी ले लीजिए अच्छा काला भी है ना दो नंबर के साथ दौड़ रहा था शैकी नजरा तेज में ब्लैकी जनाब राना खालिद महमूद ऑफ श्रीमला का ग्रे होम शहजाद बशीर के ने इसने फर्स्ट क्वालिफाई किया है और चेस नंबर एक के साथ स्वीट लेडी ने सेकंड क्वालिफाई किया है जनाब उमर नसार साहब चीमा का ग्रे होम कल इंशाल्लाह ठीक 2 बजे ड्रॉ करे जाएंगे खुदा हाफिज़।